सत नाम जीवाए गुरु साहिब। ये ताली आले बजा अज बहुत समा पहलो दास जाया करते सी इस घर दे सेवक सन सारे लकी भजन ममदूनी सारे ये सारे मैनू कहिंदे कि कहिंदे सुनियारा सिखनी ये गल चलती है किधरे इतिहास विच भी हैगी रिओड़ी प्रसाद नहीं ते मैं क्या भी कहते जी ठीक है भाई गुरु कपास उन्होंने घेर लिया सारे उन्हें कि साखी दे विच किते कह दिता कि तुसी किवें सानू कहा है कि सुनियारा सिख नहीं होंदा वो गुरमुख प्यारे निम्रता वाले ते संगत दे विच निम्रता वाले गुरमुख प्यारे समा नहीं लाउंदे वो कहिंदे जी सानू माफी दे दिओ असी गलती नाल कह बैठे हां। मैं क्या भी सारे ही बैठे सी सारे बरादरी सुनियारा बरादरी दे सी मैं क्या भी ठीक है सुनियारा सिख नहीं पर जेड़ा सिख है वह सुनियारा नहीं सुनियारा सिख नहीं ते जेड़ा सिख है वह सुनियारा नहीं जेड़ा जाता पाता च वड़िया है गुरु साहब कहिंदे ओ सिख नहीं गा जेड़ा सिख है उंदी तां कोई जात पात ही नहीं उंदी तां जात पात ही गुरु है उंदी जात पात गुरु है। जदों सानू अमृत छकाया सी पंज प्यारिया ने उन्होंने कहा सी भी तुहाडा पिता है गुरु गोबिंद सिंह आज तो तुहाडी मां है माता साहिब देवा कौर ठीक है दुनियावी जन्म कर्म देन वाले दुनियावी जन्म देन वाले मां बाप हैगे ने सत्कार योग ने पर सही तौर ते पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ये माता साहिब देवा कौर है जन्म साडा विसाखी वाले दिन का है तख्त श्री केसगढ़ साहब का ते साडी जात जिहड़ी असी सोढ़ी हाँ गुरु साहब की सोढ़ बंस विच कहिंदे इन्हां दे भरम गुरु साहब ने चुकाए सी बाबा कबीर जी कहिंदे आ कबीर मेरी जात को सब को हसनिहार लोग हसदे ने मेरी जात लह लै के पर कहिंदे मैं बलहारी जावां इस जात तो जिहड़ी जात विच मैं जन्म लैके सिरजनहार नूं जपिया है लोग हसदे ने मेरी जात तो मखौल करदे ने जलाहे दा नाम लैके पर मैं बलहारी जाना जिस जात विच मैं सिरजनहार वाहिगुरू नूं जपिया साडियां जातां पातां उत्थे खत्म ने जदों गुरु साहिब दे लड़ लग जाइए फिर दोष खत्म हो जांदे गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे अमृत छकड़ो पिरथी चांदी औलाद सी उन्हां नूं भी आखिया हुण गुरु के बख्शे होए सी भाई भगतू जी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਪੁੱਛੋ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਗੁਆਏ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਗੁਆਲੇ, 20 ਸਾਲ ਗੁਆਲੇ, 30 ਸਾਲ ਗੁਆਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੜਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵੋ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਨਗੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਤਾਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ।